रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो आज हम वापस आ चुके हैं बर्ड्स के अपडेट के साथ, ब्रीडिंग प्रोग्रेस के साथ। तो आज कल फिर हुआ था ये कि तोती का परसों एक बच्चा बाहर आया था एंड कल उसने उसको मारना शुरू कर दिया। वो मटकी के पीछे गया हुआ था। तो उसके भाई मैं शुरू से बताता हूँ, उसके ब्लू वाले तोती के थे 6 अंडे, 6 के 6 बच्चे आए थे। एक बच्चा बहुत पहले आ गया था, वो बहुत बड़ा हो गया था, एक अंडे मतलब बहुत फ़र्क था। तो उसने 4 बच्चों को चढ़ के मार दिया, मतलब उनके ऊपर चढ़ा और मार दिया 4 बच्चों को। बाकी 2 बचे, अब 2 हैं जिसके एक के ऊपर तोती अटैक कर चुकी है, मतलब उसको थोड़ा खून वून मुँह पे लग गया है, जख्मी कर दिया है। आज एक बाहर आया था, वो बहुत छोटा था, उसको मैंने आज फौरी तौर पर मैंने अलग कर दिया आज उसको। एंड अभी एक रहने करने को तो वो करना है कि करना यह है कि हमने जो येलो वाली तोती, मेरे पास एक फारिक पड़ी हुई है, वो इस ब्लू वाले तोते के साथ छोड़नी है और ये ब्लू वाली तोती यहाँ से हटा देनी है क्योंकि ये ब्रीड ख़राब कर रही हो। तोता अच्छा है, इसका तोता बिल्कुल सही है, तो उसके साथ उसका पेयर इसके साथ लगाएंगे। तो ठीक है, ये आपको बच्चे भी दिखा देते हैं और मैं उनको हैंड फीड करवा रहा हूँ। मजबूरी है, हैंड फीड करवानी पड़ रही है, और हैंड फीड भी किस चीज़ से करवा रहा हूँ वो भी दिखा देता हूँ। इस पिंजरे मैंने रखे थे वो जो एक तोता बच्चा था, मैंने इनके साथ छोड़ा तो इस जैसा था वो, जिसको जख्मी करे ना, ब्लू वाले जैसा। तो इन लोगों ने भी उसको मारना शुरू कर दिया था, उसका खून देख के। तोती बस तुम्हें निकालना इधर से, तो खून देख के उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया था। वाली तोती अभी इसके साथ डालेंगे, तो फिर मैंने उनको इधर डाल दिया। एक बच्चा जो जख्मी कर रहा था वो ये रहा, आपको क्या पता थोड़ा बहुत जख्मी भी नज़र आ रहा हो, और दूसरा वो बहुत छोटा था, उसको मैंने मटकी के अंदर ही रखना ठीक समझा। दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा वो बच्चा, तो ये रहा वो बच्चा, ये मतलब इस पेयर जैसा ही आ रहा है। मुझे वो फैदान कपड़ा वो कर रहा है, खींचो बाहर खा जाएगा वरना। तो इसको वापस रख देते हैं अंदर। एंड वो रहा वो बच्चा, दोनों का हैंड फीड करवा रहा हूँ। हैंड फीड में 5 cc का इंजेक्शन है, पिछली बार मैंने बड़ी आराम से करवा ली थी, लेकिन इस दफ़ा मेरे को मुश्किल हो रही है करवाने में हैंड फीड। तो 3 लैक गंदम वाला इनको मैं खिला रहा हूँ, और ये इंजेक्शन है 5 cc का। इनको नहीं, इसको तो आज ही अलग करा है मटकी वाले को, तो ये इसके पोटे में दाना था, उसको मैं कल अलग करा था, तो उसको रात में भी खिलाने की कोशिश करी थी। तो आज सुबह मैंने कहा इसने थोड़ा बहुत खा लिया होगा, लेकिन ये सैरफ नहीं हुआ अभी। तो फिर आगे मैंने इसको बड़ी ज़बरदस्ती, नहीं हो रही थी, हैंड फीड नहीं कर रहा था, ये खिलाया है मैंने इसको जैसे तैसे। तो ठीक है, ये सीन है। और बाकी अब इस तोती को पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं, अब ग्लव्स पहन लेता हूँ और फिर पकड़ने की कोशिश करते हैं। ग्लव्स पहन लेते हैं क्योंकि मुझे लगता है डर, पहले ही बता चुका हूँ। एंड चले, ये पहन लिए मैंने, अब पकड़ते हैं। मुझे इस हाथ में नहीं पहनना चाहिए था, सीधा हाथ में पहन के पकड़ता हूँ। भैया टोपी अंदर से लेना, तो मसला हो जाएगा, फिर मैं उसको पकड़ नहीं पाऊँगा, मुझे मटकी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो भाई नया कैमरा मैन है भाई, फिलहाल जो भी बराबर टोपी डस्ट का डर था, वही हो गया, टोपी अंदर से ले गया। आ गया भाई, सर मैं शुरू हो गया, निकाल लिया इस जालिम को, निकाल लिया हमने। पीली वाली को पकड़ना है, वो भी एक चैलेंज है। यहाँ लाइन नहीं आ रही भाई, रुको रुको दूंगा। तो आप देख सकते हैं एक तोती को पकड़ने में कितनी मुश्किल हो रही है भाई, मुझे डर लगता है। वो बाबा कर रही थी, मैंने कहा बच्चों को इसने तो मारा तो मुझे भी काट सकती है। तो अब उस वाली तोती को पकड़ते हैं, उसको तो मैं पहले भी एक दो दफा पकड़ चुका हूँ, 2-3 दफा। तो पकड़ते हैं और उसको इस वाले तोते के साथ डालते हैं। दूर से बनाना नजर आएगी। अरे मतलब नीचे बैठो, करीब हो, मैं इसको गाइड भी कर रहा हूँ साथ साथ। चल, तोती बहुत अच्छी है, काटती नहीं है,
उसको डाल चुका है हमने। देखो ये वाली कोती मैंने कितना आराम से पकड़ ली क्योंकि इस पर यकीन था। ये बार ब्लू वाली मैंने, ये ब्लू वाली मैंने फर्स्ट टाइम पकड़ी थी, तो यही है। तो अभी की मटकी साफ करते हैं एंड मटकी लगा देते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे, इंशाल्लाह इसका प्यार इस तोते के साथ लग जाएगा और फिर इनके हमें रेड आइस के बच्चे देखने को मिलेंगे। तो चलो मटकी साफ करते हैं। ख्याल से इनका प्यार बन चुका है, नहीं बना इतनी जल्दी तो नहीं बना होगा, लेकिन डर नहीं रहे, एक दूसरे के पास पास बैठे हुए हैं तो देखते हैं कितनी देर लगती है। और बाकी मटकी को साफ करने में वो जा रहे हैं क्योंकि अंदर जमा हुआ है, तो उसको सबको साफ करके अभी लगाएंगे यहाँ पे। तो आपको साफ करने के बाद मटकी मिलते हैं। तो अभी मैं मटकी साफ कर रहा था तो मटकी साफ करते हुए टूट चुकी है, वो जमा हुआ था उसके अंदर गंदगी। तो गंदगी को मैं हटाने के लिए लकड़ी मार रहा था, तो मैंने हटाने की कोशिश करी लेकिन बकड़ी मटकी पे क्रैक आ चुका है। तो मैंने ये करा है, वो जो बच्चा उस मटकी में था वो बच्चे को निकाल के, वो टूटी हुई थोड़ी सी टूट गई है वो उस मटकी में डाल दी है, और वाली बच्चे वाली मटकी यहाँ पे लगा दी है। तो चले आपको दिखाते हैं एंड देखते हैं कब इनका पैर बनेगा, कब इनके अंडे बच्चे आएंगे। तो पता नहीं कब आए, लेकिन आप लोग एक और खुशखबरी भी है, गुड न्यूज़ कि हमारे जो पहले वाले जो पट्टे थे पैरट्स के, वो उनका पैर लग चुका है। छोटे हैं अभी पट्टे हैं, उनका पैर लग चुका है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, आप पहले वो देख लें। तो देखा आपने के कितने मतलब फीड एक्सचेंज कर रहे थे और पैर लग चुका है। एंड अभी ये भी देखें, ये भी पास पास जाके बैठ रही है तोती, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम से अकेला रखा था, बहुत टाइम से अच्छे खासा सा टाइम हो गया इसको अलग रखा हुआ है। एंड देख सकते हैं थोड़ी डरती है क्योंकि कब से अकेला रखा हुआ था। और ये रही इसकी मटकी एंड ये रही वो वाली तोती, इसने बड़ा परेशान करा भाई हाथ में आने का, ये बिल्कुल आराम से आ गई असल में एक तोती पकड़ने में मुझे इतना टाइम लग गया। ओफ कोई बात नहीं, बाकी सब खैर है, इंशाल्लाह भी बहुत जल्द ब्रीड करेगी एंड इन बच्चों के भी रिपोर्ट्स मैं आपको देता रहूँगा। तो बाकी इन माशाल्लाह इनका पैर लग चुका है इन दोनों का, ये फीमेल है एंड ये मेल है, तो अच्छा बात है। हमारे पास अल्लाह करे हमारे पास रेड आइस के बच्चे आए। तो आज के लिए इतना ही मिलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।